के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है और आने में थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं और आपके साथ बातचीत करने का अवसर मिला इसके लिए धन्यवाद भी। विशेष करके आज बुड्ढा आने का अवसर मिला है, दो तीन विषय ऐसे हैं जिसमें एक तो खेल कूद का विषय था जिसमें आना था, दूसरा है अस्पताल का कुछ उद्घाटन वगैरह है और तीसरा एक और मुख्य विषय है ECL कंपनी के द्वारा एक 300 बेड के अस्पताल के लिए हमने स्वीकृति प्रदान की है और वो 17/1/21 को हमने उसको स्वीकृति दे दी है और जल्द ही ECL अस्पताल के साथ ECL प्रबंधन के साथ और हमारे विभाग के लोग जल्दी बैठेंगे और बैठ के उनके साथ एग्रीमेंट करके इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे और ये अस्पताल गोड्डा में प्रस्तावित है और इसके लिए बहुत समय से हमारी बहन दीपिका पांडे जी, प्रदीप यादव जी, संजय जी, सभी हमारे पार्टी के और लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे और लगातार हमको बहन दीपिका पांडे जी का बराबर हर बार जब भी मिलना होता था उनका एक ही विषय था कि मेरा हॉस्पिटल कैसे बनेगा भाई। तो हमने अपनी बहन को सौगात के रूप में ये अस्पताल के लिए जो है अनुशंसा को अनुमोदित कर दिया है और जल्द ही हम एग्रीमेंट करके इसके काम को श्री गणेश करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अभी पूरे देश के हालात में जो स्थितियां चल रही हैं इसको लेके 19 तारीख को हजारीबाग में हम लोग 20 तारीख को हम लोग हजारीबाग में किसानों के समर्थन में और जो दमनकारी नीति आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है उसके विरोध में हम 20 तारीख को ट्रैक्टर रैली हजारीबाग में करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि बहुत आशा विश्वास के साथ इस देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया था, उन्होंने जिन वादों को जनता के बीच में रखा था, चाहे वो नारी के संबंध में हो, चाहे युवाओं के संबंध में हो, चाहे किसानों के संबंध में हो, चाहे भ्रष्टाचार और महंगाई के संबंध में हो, तो जनता ने हाथों हाथ लिया और उनको एक विशाल बहुमत दो दो बार देने का काम किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की ये बात सभी लोगों के कानों में गूंजती थी कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, MSP बढ़ाया जाएगा, किसानों को और ज़्यादा उन्नत और समृद्ध किया जाएगा, तो हम लोग भी बड़े आशान्वित थे। लेकिन जैसे ही ये समझ में आया कि जिस तरीके से जियो ने अपना जाल फैलाया और लोगों को भ्रम में फंसा कर MTNL BSNL वो एकदम जो है बिल्कुल उसकी शक्तियां छीन हो गई और बाद में जियो ने अपना व्यापक विस्तार करके बड़े व्यावसायिक फायदे के लिए काम करना चालू किया, उसी का एक बड़ा रूप किसान के ऊपर छोपे गए ये काले कानून है और जो अन्नदाता हमारा मालिक है उसी को मजदूर और बंधुआ मजदूर बनाने की जो नापाक साजिशें हैं, इन साजिशों को चाहे लाख मोदी जी इस देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर लोकतंत्र का गला घोटें और ये शब्द कहें कि आंदोलन जीविक लोग हैं,
तो मुझे लगता है कि मोदी जी आंदोलन जीविक लोग कह रहे हैं, लेकिन बड़ा अपनी किताब में बड़ा गुणगान करते हैं कि वो भी जयप्रकाश के आंदोलन की उपज हैं। अब पता नहीं उन्होंने कब जयप्रकाश जी के आंदोलन में शिरकत की, हमें मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने व्याख्यान किया है। लेकिन हाँ, एक आंदोलन तो हम जानते हैं कि राम मंदिर के लिए आंदोलन में ये आदरणीय आडवाणी जी के शिष्य के रूप में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उस असल नेता को मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया और खुद जो है इस आंदोलन भोगी के रूप में सत्ता पर काबिज हाँ होने तो का अभी तो काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यदि आंदोलन को आंदोलन जीविक और इसका हास्यास्पद माहौल उड़ाया जाएगा, माफोल उड़ाया जाएगा, तो ये समझ में आता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि बराबर ट्वीट करने के क्रम में वो कहते थे कि लोगों को जन आंदोलन करने चाहिए, लोगों को जन आंदोलन करने चाहिए, लेकिन जब इस देश का लाखों लाख किसान दिल्ली में बैठा है, ठंड से ठिठुर रहा है, मौत के काल में समा रहा है, और उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है, पानी की बौछारें हो रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, सड़कों को खोदा जा रहा है और सड़कों पर भाले लगा दिए जा रहे हैं, कटीले तारों से उनको जो है लहूलुहान किया जा रहा है, इतने में भी यदि प्रधानमंत्री जी का पेट नहीं भरा, तो ऐसा कुकृत्य किया गया कि लाल किला जो इस देश के हमारा जो है हमारे सम्मान का प्रतीक, राष्ट्रीयता का प्रतीक, उस प्रतीक पर भी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चढ़ाकर इनको बदनाम करने का एक कुंठित प्रयास हुआ है, जिसकी हम भर्त्सना भी करते हैं, निंदा करते हैं, और हम लोग तब तक इस लड़ाई में शामिल रहेंगे, चाहे लाख कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तब तक शामिल रहेंगे जब तक ये काला, तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जाता, और ये तीनों काले कानून को लागू करने के पहले, जैसे नोटबंदी लागू करने के पहले आपको याद होगा कि ये अपनी कार्य योजना बनाते थे, और नोटबंदी लागू होने के पहले इन लोगों ने अपने पूरे देश में जगह जगह पर जमीन का क्रय किया और अपने कार्यालय को बनाने का काम किया, और उसी की तरह अभी जो है ये जो काला कानून लाया, ये काला कानून लाने के पहले ही इन्होंने उसको भंडारण वगैरह करने के लिए जगह जगह इनके पूंजीपतियों ने बड़ा बड़ा वेयर हाउस बना दिया, और वेयर हाउस बनाने का मतलब है कि इनको सामान अभी खरीद लेना है, और जब सामान की जो है कम सामान होगा तो उसको अधिक मूल्य पर बेचना है, तो शुरुआती दौर में ये मंडियों को समाप्त करना है, MSP तोड़ देना है, शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू कर देना है। तो हम कांग्रेस जन का ये दायित्व तो है कि हम पूरी तरीके से हम हर चीज सत्ता के लिए नहीं करते हैं, हम जो है माँ भारती के लिए भी करते हैं, मादरे वतन के लिए भी करते हैं। तो हमारा ये लड़ाई जो है, चूंकि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है 40% से ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से प्राप्त है, और यदि आज किसान बदहाल हो जाएंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारे घर के रसोई पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो ये लड़ाई अब सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई अब जन-जन की लड़ाई हो गई है, और उसमें हम उपदर्शक बन के नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ।